दोस्तों इस समय करोड़ों भारतीयों का दिल टूट चुका है। पूरे देश में एक गम की लहर पसर गई है। भारत में सभी क्रिकेट प्रेमियों को इस समय कैसा लग रहा है इसको आप खुद महसूस कर सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। इस बार जिस तरह भारत ने वर्ल्ड कप के सभी मैचों में प्रदर्शन किया और जिस फॉर्म में टीम इंडिया चल रही थी, इससे करोड़ों भारतीयों और क्रिकेट फैंस को यह उम्मीद हो गई कि इस बार वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा। मगर आज हुए सांस थाम देने वाले पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारकर टीम इंडिया विश्व कप 2019 से बाहर हो गई है। वर्षा बाधित इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 240 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम 221 रन पर ऑल आउट होते हुए 19 रन से मैच गंवा बैठी। इसके पहले विश्व कप फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। चार ओवर में ही टीम इंडिया ने अपने शीर्ष तीन बल्लेबाज गंवा दिए। दूसरे ओवर में रोहित शर्मा एक रन, तीसरे ओवर में विराट कोहली एक रन और चौथे ओवर में केएल राहुल भी एक रन पर चलते बने। मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट की जोड़ी ने 10वें ओवर में दिनेश कार्तिक को 6 रन पर ही आउट कर दिया। इसके पहले न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 8 विकेट खोकर 239 रन बनाए। बुधवार को न्यूजीलैंड ने अपने कल के स्कोर 46.1 ओवरों में 221 पर 5 से आगे खेलना शुरू किया। इन 23 गेंदों में भारतीय पेसर्स भूबी और बुमराह ने अपनी जबरदस्त खेल दोहराते हुए सिर्फ 28 रन खर्च करते हुए कीवी बल्लेबाज को पवेलियन भी लौटाया। 47 ओवर की आखिरी गेंद पर कल नाबाद लौटे खतरनाक कीवी बल्लेबाज रॉस टेलर 74 रन बना रविंद्र जडेजा के खतरनाक थ्रो पर रन आउट हुए। 48 ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर जडेजा ने भूबी की गेंद पर टॉम लाथम को लौटाया तो आखिरी बॉल पर विराट ने कैच लपककर मैट हेनरी का खेल खत्म किया। इस तरह भूबी के खाते में 3 तो बुमराह, हार्दिक पांड्या, जडेजा और चहल ने एक एक विकेट चटकाए। तो दोस्तों मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के मैच में टीम इंडिया की कमी कहां रह गई।